हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरे टॉप 5 वॉल आर्ट ड्राइंग गाइस, जो कि मैंने वॉल के लिए बनाया था। सो कल की वीडियो में गाइस मैंने कार्टून का ड्राइंग दिखाया था, आज की वीडियो में गाइस आप लोग को मेरा वॉल आर्ट दिखाऊंगा। तो काफ़ी सारे मैंने रिसाइकल किए गाइस और DIY किए और फ्रेम बनाया गाइस। सो आप लोग को वो दिखाएंगे जो कि हम लोग वॉल पर अटैच करते हैं। टॉप 5 गाइस, सबसे पहले नंबर 1 पे गाइस मेरे लिस्ट पे है। सो यू कैन सी क्या है गाइस हमारे पास, सरस्वती माँ का हमने आर्टवर्क बनाया था। तो कैसा दिख रहा है गाइस, यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक्चुअली इस आर्ट को ना गाइस मंडाला आर्ट कहते हैं। तो मैंने मंडाला आर्ट रिसेंटली मतलब कितना टाइम हो गया, 2001 में बनाया था गाइस। ये मैंने 3 साल पहले बनाया है ड्राइंग, तो देख सकते हैं, जो कि मैंने ब्लैक पेन और पेंसिल से बनाया था। तो आप लोग को यह मंडाला आर्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बनाया गया सरस्वती जी का आर्टवर्क। सो इसको गाइस आप लोग को कैसा लगा, मैंने टॉप 1 पे इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने 3 साल पहले बनाया था गाइस ये आर्टवर्क। ठीक क्या है गाइस हमारे पास, गणपति जी का आर्टवर्क, जो कि गाइस पीछे देख सकते हैं। ये ना गाइस वॉल जो हम लोग घर के ऊपर लगाते हैं ना, सीलिंग का मैंने सीलिंग का जो हिस्सा होता है ऊपर लगाते हैं, तो सीलिंग को मैंने कट करके बनाया था, मतलब रिसाइकल किया है गाइस ये पूरा। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक्रेडिक पेंट्स, और गाइस एक्रेडिक पेंट्स यूज करके मैंने यहाँ पर वर्निशर यूज किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मैल नहीं लगाया गाइस। तो यहाँ पर वर्निशर भी है एक्रेडिक पेंट्स गाइस, प्लस ये रिसाइकल भी है। सो आप लोग को गणेश जी का आर्ट वर्क कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को मैं रखता हूँ गाइस टॉप 2 पे। सो टॉप 3 पे गाइस कौन होगा, टेन टेरन, यू कैन सी ये भी गाइस सेम, ये मैंने स्पॉन्ज बब का बनाया, और देख सकते हैं क्या ऑसम दिख रहा है ना, मतलब आप लोग को साइन समझ में आ रहा है गाइस, थोड़ा सा साइन दिख रहा है। तो ये साइन ही गाइस वर्निशर है, तो इसकी वजह से आर्टवर्क और भी ज़्यादा निखर के आता है। तो आप लोग रिसाइकल कर सकते हैं गाइस, अगर आप लोग के पास ऐसा कोई भी बोर्ड हो, कागज हो, जो भी, तो आप लोग उसके ऊपर रिसाइकल भी कर सकते हैं। सो स्पॉन्जबॉब को रखता हूँ मैं नंबर 3 पे। 4 नंबर पे भी है, देख सकते हैं गाइस 4 नंबर पे हमारा गणेश जी है बैठे हुए, और यहाँ पर है मूसक राज। तो गाइस ये मैंने किस पे बनाया होगा आप देख सकते हैं गाइस, ये क्या है ये गाइस जो हम लोग घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ऊपर सीलिंग में भी लगाते हैं, इसको एल्बिस्टर बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं, बट इसको एल्बिस्टर बोलते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं इसको भी मैंने रिसाइकल किया था। सो यहाँ पर भी एक्रेडिक पेंट्स। तो आप लोग को गणेश जी का आर्टवर्क कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और गाइस फाइनली 5 नंबर पे मिकी माउस गाइस, जो कि गाइस हम लोग ने बनाया है, ये सुन पापड़ी का पैकेट होता है ना गाइस, जो ऊपर से ऐसे करके ढकते हैं, तो ऊपर से ढकते हैं, तो मैंने उसी का ही पैकेट यूज़ करके, जो ऊपर का ढकने वाला होता है ढक्कन, तो उसी में मैंने आर्टवर्क किया है, रिसाइकल किया है ये भी गाइस पूरा। तो आप लोग को इनमें से गाइस कौन सा ड्राइंग अच्छा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं आर्टवर्क का। सो वॉल में अटैच करने के लिए जितने भी है सब मैं वॉल पर अटैच करता हूँ गाइस ये आर्टवर्क। तो इनमें से आपको कौन सा आर्टवर्क अच्छा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गो गाइस, सो आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस लाइक इट, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल गाइस, लेट्स गो।